जेल में रहते हुए मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट से मचा दिया राजनीति में बवाल। होने लगी चारों ओर केजरीवाल सरकार की तारीफ। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल के अंदर बंद है। शराब घोटाले के मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से करीबन एक साल से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी मनीष सिसोदिया सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तब से आम आदमी पार्टी भी जी जान लगाकर भाजपा को हराने में जुट गई है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह कहा गया था कि दिल्ली के सातों सीटों पर भाजपा को हराकर भाजपा मुक्त दिल्ली बनाना है, और इसी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी अपने काम लगातार मेहनत के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में बंद है, उनकी टीम के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, जिस ट्वीट में लिखा जाता है, 2015 में शिक्षा मंत्री बनने पर मनीष सिसोदिया ने यह प्रण लिया था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का अवसर मिलेगा। फैक्ट्री वर्कर की बेटी शिल्पी आज IIT से इंजीनियरिंग कर रही है। वहीं 11वीं कक्षा के दौरान हिमांशु के पिताजी का निधन हो गया था। कम उम्र में विपरीत परिस्थितियों पर मात कर आज हिमांशु मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े शिल्पी और हिमांशु जैसे हजारों छात्रों पर पूरी दिल्ली को नाज है। टीम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि हिमांशु और शिल्पी का आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह शिल्पी और हिमांशु ने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर IIT और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बैड्याल की रिपोर्ट।